वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गो माता। जैसा कि अखंड भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है, भारत के प्रत्येक गांव-गांव से वैद्यों को एक स्थान पर लेके आना और उनका जो ज्ञान है उसको पुस्तक का रूप देना, और जो मूल आयुर्वेद था जिसके अंदर सर्जरी भी थी, विष चिकित्सा भी थी, तत्काल चिकित्सा भी थी, मुगलों ने नष्ट किया, उसके बाद अंग्रेजों ने नष्ट किया। और इसी कड़ी में जो दिल्ली का 23 जुलाई का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन की सफलता के बाद ये निर्धारित किया पूरे संगठन ने कि अब ये सम्मेलन राज्य वाइज किए जाएं, और उसके बाद जिले वाइज, और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जो वैद्य हैं उनका अनुभव लिया जाए। आज मुझे बड़ी प्रशंसा है कि हमारे बीच में MR शर्मा जी, जो चिकित्सा क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, शायद ही धरा पे कोई ऐसा विद्वान होगा। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य जी से कर्ण ने शिक्षा ली थी, उसी प्रकार से मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो दिल्ली में 466 केस हमने प्रेजेंट किए थे, उनमें गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान था, जो रोगी ठीक हुए थे। और गुरुजी से मैं प्रार्थना करूंगा कि 23 नवंबर को हरिद्वार कंखल, मुझे पता आपका समय बहुत कीमती, आप जरूर आएं, और ये सब आप ही के शिष्य हैं मेरी तरह, इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान और वो सब आपको देना है, और दो शब्द इस कार्यक्रम के विषय में आप गुरुजी जरूर रखें। ठीक है, आपके प्रोग्राम में जो है ना प्रयास करेंगे, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप, ठीक है, और सफल हो और सफलता की तरफ बढ़ते रहो। और गुरुकुल की तरफ से जो है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं जी, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, और अपने जो है ना जो औषधियों का ज्ञान उसके साथ में जोड़ के रख रहे हैं, तो और जी अच्छी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक आए, मैं कुछ समय के लिए लेके आता हूँ।